India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं रामवीर राजपूत स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। तो भाई दोस्तों आज जो आप बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले हैं, वो बेयरिंग पर बात करने। बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिटर के ट्रेड के अकॉर्डिंग, और फिटर के अकॉर्डिंग भी है अदर ट्रेड्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेयरिंग चैप्टर पर, और बेयरिंग होता क्या है। सबसे पहले नंबर पर बेयरिंग होता क्या है। बेयरिंग जो रहता है किसी भी घूमती हुई शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का कार्य है। मैं यहाँ लिखता चलता हूं सारी चीजों का ताकि आपको मिल जाए पीडीएफ। किसी घूर्णन करती हुई शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का कार्य करने का कार्य किसका होता है, बेयरिंग का होता है, का होता है। तो यहां पर यह वाली बात को आप क्या रखें, ध्यान रखें, किसी भी घूमती हुई शाफ्ट को सहारा प्रदान करने का कार्य किसका है, बेयरिंग का है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा अब बेयरिंग की धातु, अब अगला पॉइंट जो आता है धातु, बेयरिंग की धातु क्या है भाई। तो पहला इसमें ध्यान रखना चाहे कुछ भी हो जाए आपको पहले नंबर पे तो क्रोमियम स्टील लगाना है फर्स्ट नंबर पर, चाहे कुछ भी हो जाए फर्स्ट नंबर पर आपको क्रोमियम स्टील ही लगाना है। दूसरे नंबर पर आपका अगर क्रोमियम स्टील ऑप्शन में नहीं आता है तो गन मेटल लगाना है CuSn और Zn, 2, 10 और 88 में परसेंटेज आएगा वैसे तो, ठीक है। तो ध्यान समझना मेरी बात, यहां मुख्य धातु क्या रहेगी, क्रोमियम स्टील या हाई ग्रेड क्रोमियम, हाई ग्रेड क्रोम स्टील, क्रोम स्टील का। ये दोनों ही बातें होती तो एक ही है, क्लियर हो गई बात इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसके अलावा एक और बात याद रखनी पड़ेगी, अगर कोई बोल देता है ठोस बेयरिंग, तो पहले नंबर पे तो आप याद रखना गनमेटल, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो
सेकेंड नंबर आएगा कास्ट आयरन, क्या आएगा कास्ट आयरन आएगा सेकेंड नंबर में आपका क्या आ सकता है कास्ट आयरन आ सकता है ठीक है। अच्छा प्लेट टाइप या शेल टाइप पेयरिंग, प्लेट टाइप या शेल टाइप पेयरिंग, आप यहां लिख देना व्हाइट मेटल, मेटल व्हाइट मेटल, क्लियर हो गई होगी बात, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना इसमें। अच्छा अच्छा इधर ध्यान रखना, सबसे पहले नंबर पे हम चलते हैं, सबसे पहले नंबर पे चलते हैं बेयरिंग के प्रकार, के प्रकार, ये प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो दो तरीके का होता है बेयरिंग। पहले नंबर पे होता है आपका, पहले नंबर पे होता है घर्षण बेयरिंग, फ्रिक्शन बेयरिंग बोलते हैं जिसे, और दूसरे नंबर पे आता है आपका अघर्षण। नॉन फ्रिक्शन बेयरिंग भी जिसे कहा जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी है ना। बेयरिंग के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं घर्षण बेयरिंग और अघर्षण बेयरिंग ठीक है। अब घर्षण बेयरिंग में सबसे पहले नंबर पे आते हैं ठोस बेयरिंग, घर्षण बेयरिंग में कौन कौन से होते हैं, पहला लिख लो ठोस या जर्नल बेयरिंग ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लिख लो बुश ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लिख लो थ्रस्ट, फुट स्टेप, चौथे नंबर में आप लिख लो थ्रस्ट ठीक है। अच्छा अगर शेल बेयरिंग में अगर आप आते हो तो आप ध्यान रखना, पहले नंबर पे आप लिख सकते हो यहां पर बॉल, रोलर, टेपर रोलर, निडल ठीक है। ये ध्यान रखना ये अघर्षण बेयरिंग में आ जाता है, किसमें आ जाता है भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। सर ये ऑल एग्जाम के लिए चल रहा है बेयरिंग चैप्टर, तो वैसे हर जगह आता है, बाकी आप वैसे स्पेशल फिटर चल रहा है ये ना, स्पेशल फिटर चल रहा है ठीक है। फुट स्टेप, स्टेप लिखा है स्टेप, फुट स्टेप है, फुट स्टेप, स्टेप है ना, ना फुट स्टेप बेयरिंग। चलें तो फिर चले इसको पिवट बेयरिंग भी कहा जाता है ठीक है। इसको कौन सा बेयरिंग कहते हैं, पिवट बेयरिंग भी कहते हैं। चलो एक एक को मैं आपको बता देता हूं ठीक है। ठोस बेयरिंग कैसा होता है, दिख रहा होगा आपको, तो ये आपका एक ठोस बेयरिंग बनाया हुआ है ठीक है। यहां पर इस वाले पॉइंट में क्या लगेगी, इस वाले पॉइंट में क्या लगेगा, शाफ्ट, इस वाले पॉइंट में क्या आएगी,
शाफ्ट रहेगी, जिसके अंदर क्या जुड़ेगी, शाफ्ट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, शाफ्ट। कौन सा बेयरिंग है, ठोस बेयरिंग। किसका बना हुआ, कास्ट आयरन का। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। कहाँ देखा है, आटा चक्की में जहां पुली वगैरह लगी होती है ना, इंजन विंजन जहां होता है, पट्टा चलाते हैं, तो आप पुली को पकड़ने का, पुली की जो शाफ्ट रहती है, उस शाफ्ट को पकड़ने का काम कौन करता है, आपका ठोस बेयरिंग करता है। समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। अगले पॉइंट पर चले, नेक्स्ट अगला पॉइंट देख लें कि भाई, हाँ हाँ, अगला है बुश बेयरिंग। बुश बना नहीं पाऊंगा मैं इसको, थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं मैं आपके लिए इसको। ये तो बाह्य आवरण, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा आपका ठीक है, ये आंतरिक आवरण रहेगा। ये अगर इसको बाहर निकाल लिया जाए, ये क्या रहेगा आपका, बुश रहेगा। ये क्या रहेगा आपका, बुश रहेगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को जहाँ तक है। अब मैं ज़्यादा अपना वो नहीं दिखाऊंगा, कलाकारी आपको यही बता देता हूँ। ये कौन सा बेयरिंग है, बुश। ये क्या है, बुश है अकेला। बुश किसका बना होता है, गन मेटल, गन मेटल। ये इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, फिट होगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इसके साइड में क्या होगा, ये अंदर की साइड क्या रहेगा आपका, फिट रहेगा, ठीक है। ये आपका अंदर की साइड क्या रहेगा आपका, यहाँ पर फिट रहेगा, ठीक है। ये यहां से बाहर निकाल के मैंने आपको इसको क्या कर दिया, बता दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ये सीधा सीधा यहाँ फिट है। अच्छा अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्या बोलता भाई अपन से, ठोस बेयरिंग। आप पता, फुट स्टेप बेयरिंग कौन सा आता है, फुट स्टेप बेयरिंग, ठीक है। फुट स्टेप बेयरिंग में क्या होगा, फुट स्टेप बेयरिंग,
ये कौन सा हो जाएगा? बुश हो जाएगा। दो सेकेंड बनाने टाइम लगा है हल्का सा। अब जो मैं हरे कलर की यहां डाल रहा हूं, ये है आपकी शाफ्ट। अच्छा, हरे कलर की डालने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे इसकी कुछ किनोर भी तो आएगी, यहां से भी यहां तक आएगी, ठीक है। अब ये हरे कलर की क्या है, यहां पर ये शाफ्ट है, ठीक है। यहां से ये शाफ्ट क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ये बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। टेढ़ी तो टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, इसको थोड़ा सीधे कर लेना, आप लोग ही सीधे कर लो, ठीक है। अब तो सही है, तो ध्यान रखना मेरी बात को। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को पूरा क्लियरली भाई। ये जो शाफ्ट है, इसकी शाफ्ट की बाहर की सतह को घिसने से बचाने का काम कौन कर रहा है? बुश कर रहा है, पहली बात, ठीक है। बुश कर रहा है, बुश क्या कर रहा है, बाहर की सतह बचाने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये नीचे की साइड ये टेपिट है, ये क्या है, टेपिट, ठीक है, या टेप भी कह सकते हैं ना, है ना। ये क्या होगा, एक समय बाद क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, ये घिस जाएगा, ये घिस जाएगा, तो सीधी सी बात है इसकी जगह पे आप कुछ और भी दूसरा वाला लगा, दूसरा कुछ और लगा कर ला करके क्या लगा सकते हो। और यहां पर आएगा बिंदु संपर्क, बिंदु संपर्क, पॉइंट कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहां पर क्या आएगा आपका, पॉइंट कॉन्टेक्ट आएगा, शाफ्ट जिससे घिसेगी नहीं, नीचे की साइड से शाफ्ट नहीं घिसेगी, ठीक है। अच्छा, बाहर की जो ये वाली चीज है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, ये है वास्तविकता में ठोस बेरिंग, ठोस बेयरिंग। क्या है ये, ठोस बेयरिंग वाला पार्ट, बेड क्या होगा वो आपके दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फुट स्टेप के बाद में आता है आपका कौन सा बेयरिंग आता है, आपका थ्रस्ट बेयरिंग आता है। थ्रस्ट बेयरिंग बता रहा हूं आपका, ध्यान रखना मेरी बात को। Thank you.
ये आपका बन के तैयार हो गया थ्रस्ट बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग बन के तैयार हुआ भाई? थ्रस्ट बेयरिंग। क्लियर होगी बात? अब थ्रस्ट बेयरिंग में क्या होने वाला है, ये स्क्वायरल थ्रेड ये कौन सी थ्रेड है? स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड क्यों है भाई? ये क्या है कि मतलब आपके, मैं बता देता हूं और जी चीजों को, इसमें ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट यहां पर क्या हो रही है, फिनिश्ड हो रही है, ठीक है। तो ये शाफ्ट जो है इसके ऊपर क्या रहेगा, आपका लोड रहेगा, है ना। और लोड जब रहेगा इसके ऊपर, तो ध्यान रखना मेरी बात को जरा, कि भाई जब इसके ऊपर लोड ही रहने वाला है, जब इसके ऊपर लोड आएगा तो लोड क्या होगा, फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सर्वाधिक लोड उठाने वाला बेयरिंग, लोड उठाने वाला बेयरिंग, सबसे ज्यादा लोड उठाने वाला बेयरिंग है ये, है ना। और एक और बात इसमें ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लोड उठाने वाला बेयरिंग है और सर्वाधिक घर्षण उत्पन्न करने वाला बेयरिंग है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न करने वाला बेयरिंग है? सबसे ज्यादा घर्षण उत्पन्न करने वाला बेयरिंग है, सबसे ज्यादा लोड उठाने वाला बेयरिंग है। क्लियर होगी इसमें बात? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। अच्छा, अब ये आपका थ्रस्ट बेयरिंग कंप्लीट होगा, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब ये ठोस बेयरिंग का जो चौथा टाइप था, ठीक है, इससे पहले भी हमने, ये आपका तीसरा टाइप है, है ना, ये आपका नंबर टू टाइप था, है ना, और ये वाला आपका नंबर वन टाइप था, ठोस बेयरिंग। अब आपका सबसे नेक्स्ट टाइप जो आने वाला है वो कौन सा है? ठीक है, पीडीएफ, आपको पीडीएफ वाला जो ऐप रहता है ना हमारा, उस वाले ऐप से आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर भी मैं हेडिंग डाल देता हूं, यहां पर हेडिंग ध्यान क्या रखना, यहां पर हेडिंग रखना घर्षण बेयरिंग। अभी अपन ने कौन से वाले क्या देखा अपने, यहां पर ये घर्षण बेयरिंग में पार्ट फर्स्ट देखा, ठीक है। इसमें कुछ बात लिखनी थी, मैं लिखना भूल गया, यानी खड़ी शाफ्ट को सहारा देने का कार्य। ऊर्ध्वाधर शाफ्ट या खड़ी शाफ्ट को सहारा देने का कार्य किसका है? फुटस्ट बेयरिंग का है। सर्वाधिक लोड उठाने वाला बेयरिंग और सबसे ज्यादा घर्षण करने वाला बेयरिंग कौन सा है? थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है। अच्छा, थ्रस्ट बेयरिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अघर्षण बेयरिंग में। अघर्षण बेयरिंग में सबसे पहले नंबर का आएगा बॉल बेयरिंग, अब देख लो जरा बॉल बेयरिंग कैसा होगा देखने में।
तरीके का रहेगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, इसमें क्या रहेगा आपका, केज रहेगा, क्या रहेगा, केज। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, बोरिंग बॉल बेरिंग में बॉल्स के मध्य गैप बनाए रखने का कार्य किसका है, तो केज का है। किसका है भाई, केज का है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी अब आपको, सॉरी। ये आपका बॉल बेरिंग बनके तैयार हो गया है। अच्छा, बॉल बेरिंग के बाद में इसमें क्या रहेगा, बॉल रहेगी, क्या रहेगी, बॉल। बॉल जो रहेगी वो रहेगी पॉइंट कांटेक्ट में, किसमें रहेगी आपकी, पॉइंट कांटेक्ट में। दो सेकेंड, तो बॉल जो हमेशा रहेगी वो आपकी किसमें रहेगी, हमेशा और हमेशा पॉइंट कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसमें गलती से भी गलती नहीं चाहिए। ये बिंदु संपर्क जिसे बोला, ये आपका बॉल, ये क्या है आपकी बॉल। सतह, तो बॉल बेयरिंग सतह के साथ किस संपर्क में रहता है, तो आप हमेशा और हमेशा याद रखना पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा, बिंदु संपर्क में रहेगा। सबसे कम घर्षण, सर्वाधिक गति वाला भी है। सबसे कम क्या रहेगा इसमें, घर्षण रहेगा, और सर्वाधिक क्या रहेगी इसकी, गति रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बॉल बेरिंग आप मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे पूरी पूरी बात। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इसमें। चलो अब आगे चलते हैं रोलर बेरिंग। अगला क्या है आपका, रोलर बेरिंग, ये आपका दूसरा है। अब रोलर में ही दो टाइप हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप तो डायरेक्ट इसी को पढ़ लो। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें क्या रहेगा, रोलर रहेगा। रोलर हमेशा हमेशा सतह के साथ देखो, ये वाला हमेशा आपके सतह के साथ पॉइंट कांटेक्ट बना रहा, और ये बनाएगा
लाइन कॉन्टैक्ट, हमेशा कौन सा कॉन्टैक्ट बनाएगा ये, इसे बोलते हैं रेखा संपर्क, रेखा संपर्क कहेंगे, ठीक है। तो अधिक भार सामान्य गति, इधर ध्यान रखना, सबसे कम घर्षण सर्वाधिक गति वाला और कम भार उठाने वाला, कम भार उठाने वाला, तो कम भार उठाने का काम कौन करने वाला है आपका? सबसे कम भार उठाने वाला बेयरिंग कौन सा है आपका? रोलर बेयरिंग, ठीक है। केज रहता है, केज के अंदर बॉल्स हमेशा फंसी रहती है, बाहर नहीं निकलती। आरआरबी भोपाल में पूछा जा चुका है केज के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये आपके ये समझ में आ गया हो रोलर बेयरिंग, ठीक है। और ये केवल सीधी गति करता है, केवल सीधी दिशा में गति करने योग्य, पट्टा चालन जो होना ना, पट्टा चालन किस पर संभव है? केवल रोलर बेयरिंग पर ही संभव है, इसको ध्यान रखना। केवल सीधी दिशा में काम करने वाला बेयरिंग कौन सा है? रोलर बेयरिंग है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। रोलर के बाद में आ रहा है टेपर रोलर बेयरिंग। ये कैसा रहेगा आपका? ये भी कौन सा रहेगा? लाइन कॉन्टैक्ट में रहेगा, यानी रेखा संपर्क में ही रहेगा। ठीक है, घूर्णन गति करने योग्य, घूर्णन गति करने योग्य कौन सा बेयरिंग है? हमेशा और हमेशा कौन सा है आपका? रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है। एक बात और याद रखना, अब केंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बलों को संतुलित करने योग्य
कोई पूछ लेता है भाई अब केंद्रीय और विकेंद्रीय बलों को संतुलित करने योग्य कौन सा बेरिंग है, तो आपका टेपर रोलर बेरिंग, रेल वे व्हील, ऑब्लिक ट्रक, ऑब्लिक ट्रैक्टर, बस आदि वाहनों के पहियों में। बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलवे, रेलवे आदि वाहनों के पहियों में किस बेयरिंग का प्रयोग हुआ, आपका टेपर रोलर बेयरिंग का होगा। चलें आगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलें। अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है, अगला पॉइंट आपसे कहता है चौथे नंबर का नीडल बेयरिंग, ये भी रोलर बेयरिंग का ही एक, निडल रोलर बेयरिंग भी कहते हैं ना, इसको निडल रोलर बेयरिंग भी कहते हैं, इसे निडल रोलर बेयरिंग भी कहते हैं। है ना, इसमें क्या रहेगी आपकी, निडल रहेगी, निडल रहेगी। उच्च भार उठाने वाला, उच्च भार उठाने वाला अघर्षण बेयरिंग, बेयरिंग ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायु यानों के पहियों में इस बेयरिंग का प्रयोग होता है, होता है वायुयान के जो पहिए होते हैं उनका, उसमें इसका प्रयोग होता है। 3G, 4G, 5G भार को सहन करने योग्य, कोई भी चीज जब जमीन पर आती है ना, गिरती है, तो ये ग्रेविटेशन के कई गुना ज्यादा वजन के साथ में बढ़ जाती है। ग्रेविटेशन से 3 गुना यानी 3G, ग्रेविटेशन से 4 गुना यानी 4G, और ग्रेविटेशन से 5 गुना यानी 5G। 3G, 4G और 5G तक का लोड यानी भार, मतलब हवाई जहाज का वजन तो भाई मान लो 100 क्विंटल है, लेकिन वो जब गिरे, जब लैंडिंग लेगा ना, तो मिनिमम 3G से लेगा, 3G लोड से लेगा, यानी अपने लोड से 3 गुना लोड, यानी बहुत ज्यादा लोड को सहन करने वाला जो बेयरिंग है वो कौन सा बेयरिंग है, केवल और केवल कौन सा है, निडल बेयरिंग है। इस बात को हमेशा आप लोग क्या रखना, याद रखना। और ये भी किसमें रहेगा, ये भी आप हमेशा एक और बात याद रख लेना, ये भी हमेशा किसमें रहेगा, लाइन कॉन्टैक्ट में ही रहेगा, ये भी किसमें रहेगा आपका, हमेशा और हमेशा लाइन कॉन्टैक्ट में ही रहेगा। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसमें कोई परेशानी हो तो मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक समझ गए होगे आप मेरी बात को, इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं आपको, है ना। अच्छा, तो आपका निडल बेयरिंग भी हो गया है ना,
अच्छा टेपर रोलर भी हो गया, सारी चीज़ें आपकी बेयरिंग में कंप्लीट हो गई। अब बाकी तो और भी चीज़ें हैं, वैसे वाशर आशर भी आपको पढ़ा सकते हैं, और भी क्या नाम है आपके नट बोल्ट वगैरह, ये सब अलग चैप्टर है ना। तो ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया निडल बेयरिंग तक। निडल बेयरिंग को हाँ सभी लोग स्पीड बढ़ाकर सर जी पीछे क्लास देख लो। हाँ तो ध्यान सुनो, ये तो मेरा क्या था लास्ट था, मतलब जिसमें आपको एक एक चीज को क्या कर देना, क्लियर कर देना था। अब सुनो क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन करा देता हूँ ठीक है, क्वेश्चन भी करा दूंगा इसके ना। अब सुनो मेरी बात, अब लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन वाला, अभी अभी नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम बाद, नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में जो अब क्लास रहेंगी वो सारे सारे क्वेश्चन की रहेंगी, लेकिन सिर्फ एक क्लास और अपनी बाकी रह रही है, वो अपन क्या करेंगे, एक बार सारा सारा वेल्डिंग का प्रोग्राम जितना भी था, जितना भी हमने वेल्डिंग को पढ़ा था, वो वेल्डिंग को एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरी एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम सारा वेल्डिंग का रिवाइज कर लेंगे, और वेल्डिंग का रिवाइज करते ही उससे अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे, और फिटर के सारी जो ट्रेड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दूंगा। लगभग सोच दिमाग में प्लान तो चल रहा है कि भाई लगभग आपको कम से कम 500 से 700 हजार क्वेश्चन, 500 700 क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन, लगभग 700 क्वेश्चन तक तो आपको करा ही दे कम से कम, लेकिन फिर भी देखते हैं जितना हो जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन वगैरह और चीजें लेकर के आएंगे, ठीक है। और भी हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे इसके ना, क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेकर के आएंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत ना पड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पर हल करा देंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।